फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं स्कॉडा स्लाविया का ओनरशिप रिव्यू, लेकिन ये डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये है 1.5 DSG वेरिएंट। जो आपने हमारा पहले वीडियो देखा था वो था 1.0 AT ऑटोमेटिक। हाँ, ये भी वो टॉक कन्वर्टर के साथ आता है और ये DSG के साथ आता है। हमारे साथ है इस गाड़ी के ओनर अवनीश। अवनीश, वेलकम टू द चैनल। Thank you, Aman. Avnish, how are you? I'm doing good. Yeah, thank you. My first car, which I bought in 2006, was Ford Fiesta. Acha. Because I chose that car because you know I like cars which are more robust and more powerful, basically. Hmm. Not because I like to drive fast or rash. Generally, I like. Huh. You look more responsive car. You like basically pushy engines. Exactly. Okay. Yeah. So that was my first car. I drove it for around 10 years. Mm-hmm. Then second was my I bought a second hand X1. Mm. I kept it for 3 years. Mm. And then finally I'm really satisfied after buying this car. Achha, I was really eyeing on it since a very long time. I was considering Kushaq, but then I compared both of these and I picked up this one. अच्छा, तो आपके ये basic intro से ही काफी सारे questions मेरे mind में आ रहे हैं। सबसे पहली चीज कि आपने इस कार को लेने के time पे जो इसकी सेगमेंट की होंडा सिटी है या वर्टस है या आपकी वरना है उनको कंसिडर किया था या फिर माइंड में जैसे यू वर सेइंग कि यू वर लुकिंग इनटू दिस कार फ्रॉम लॉन्ग टाइम तो आपने ये ले ली, परचेज कर ली, माइंड में था कि ये लेना। दूसरा, आप X1 से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वो एक रीजन की एक लग्जरी कार, हालांकि ये भी एक लग्जरी कार की उसमें आती है, प्रीमियम फील देती है, बट दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट जो X1 से आपको यहाँ पर मिला है, और वो रीजन क्या था चेंज करने का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने गाड़ी लेने का प्लान किया अभी, तो मैं होंडा सिटी एक ऑफ कोर्स इसका सेगमेंट है ना, फिर वरना भी है। सो माय ब्रदर ड्राइव्स होंडा सिटी सिंस लास्ट 10 इयर्स, सो आई हैव बीन ड्राइविंग दैट कार। ठीक है, अब क्योंकि मुझे मालूम है इसमें CVT टाइप का इंजन है, तो आपको सरन जब आप पुश चाहिए होता है, यू डोंट गेट इट, यू डोंट रियली प्लान नो इतना डिस्टेंस होएगा, इतने में मैं मैनेज कर सकता हूँ ओवरटेकिंग, देन यू प्लान योर ओवरटेकिंग। सो कंफर्ट वाइज इन टर्म्स ऑफ नो द फिट एंड फिनिश, होंडा कार्स आर रियली रियली गुड, बट व्हेन इट कम्स टू नो द परफॉर्मेंस, एज आई सेड अर्लियर, देन आई थिंक नथिंग कैन बीट स्कोडा और मेबी फॉर दैट मैटर फोर्ड, आई वुड से। Right, Ford unfortunately is not here now, but yes, so that was my reason to buy it. Baki jo aapka sawal wo X1 wala hai, so I think usko main, I won't say I'm a customer for that car. Honestly, because Achha. Customer वो होता है जो नया गाड़ी खरीद सके, right? So I bought that car in 18 lakh. अच्छा, second hand car, right? So that was my sweet spot, right? Again, so I'm a customer for this range. वो एक शौक है, तो मेरे को लगा कि यार अभी मेरे को 2-3 साल चलाना है. So मैं शौक पूरे कर लिए. 3 साल में वो शौक पूरा हो गया, उसके बाद then I still wanted to buy a second hand luxury car, but then my family said, okay, यार तुम पुराना मत लो, अभी नया ही लेते हैं. अच्छा. So उस budget में फिर ये कुछ cars आ रही थी, so I finally ले लिया. So अब ये क्वेश्चन और कि 1.0 भी आता है, चाहे आप कुशाक देख लीजिए, आप वर्टस देख लीजिए, आप इसमें स्लाविया में देख लीजिए, 1.0 1.5 करेक्ट। सो क्या चीज थी जो 1.5 ले गई आपको? सेम रीजन, पुशी इंजन आपको चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए आपको, उसमें 3-सिलेंडर इंजन होएगा, ऑफ कोर्स जो क्लेम है वो तो है, ऑफ कोर्स पावर देगा आपको, बट आई थिंक जो 1.5 में जो परफॉर्मेंस है, इससे ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी इंजन का फुल कैपेसिटी कंज्यूम कर रहे होते हो एट एनी पॉइंट, इट्स जस्ट दैट जैसे घर में AC लगाते हैं ना आप, अगर आपका रूम का साइज 1 टन का है, बट स्टिल रेकमेंड आप 1.5 लगाओ, तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, राइट? तो ये 1.5 टन का AC है। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक सेम, ऐसा नहीं कि मैं इसका पूरा, इसका अगर आप पूरा 100% आप इसको यूटिलाइज करोगे तो वो शायद मैं वो यूजर हूँ नहीं। अच्छा, वेरी वेरी वेल आंसर। तो बट वो हंगर जो है आपको जिस मोमेंट पे चाहिए ना, जब चाहिए तब ये फुल देगा आपको, देगा, राइट? अगर आप 20 की स्पीड पे हो, देन यू डोंट हैव टू थिंक। जीरो से आपको फिर भी थोड़ा लैग मिलता है, बिकॉज कोर्स DSG हो चाहे CVT हो, बट आई थिंक इफ यू आर ऑन 20-30 का स्पीड, देन यू डोंट हैव टू थिंक, इट विल रिस्पोंड लाइक रियली नाइसली। तो अब एक काम करते हैं अवनीश, अभी बाहर थोड़ा वेदर भी हॉट हो रहा है, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, फील करते हैं गाड़ी की प्रीमियमनेस, फील करते हैं और ड्राइव का एक्सपीरियंस करते हैं। सो यू विल ड्राइव, राइट? हां, आई विल सिट। तो हम लोग कैबिन के अंदर हैं और अवनीश मेरे साथ हैं। अब सबसे पहले जो हमने आपको पहले भी इंटीरियर दिखाया था, इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी आपको जो है वो 10 इंच की स्क्रीन है। अवनीश वॉज अ लकी बायर जो उन्होंने स्टार्टिंग में ले ली थी, और अभी भी उनको 10 इंच की स्क्रीन मिली थी। जो लास्ट वीडियो आपने देखा था वो भी 10 इंच की स्क्रीन वाला ही था, बट जो उनके उसके बाद उन्होंने, जैसे अवनीश का बताना है कि 2-3 हफ्ते के बाद जिन्होंने बाय की, उस टाइम से 8 इंच की स्क्रीन आने लगी थी। सो यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों हैं। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और ये आपको काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। जो ये स्क्रॉल बटन्स हैं, ये आपको रोलर्स हैं बेसिकली, ये काफ़ी प्रीमियम है। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और काफ़ी प्रीमियम फील देता है। इंटीरियर ऑल ओवर प्रीमियम है, लेकिन अवनीश ने एक जो पॉइंट्स बताए हैं जो नेगेटिव में है, वो हम चलते चलते बात करेंगे। अवनीश, आई वॉन्ट यू टू मैंशन दोज पॉइंट्स एज वेल। ठीक है, तो सीट बेल्ट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो आपको सीट बेल्ट लगाते ही पता लग जाएगा अवनीश का कहना है, हालांकि मुझे भी लगा वो,
सीट बेल्ट लगाते हुए आपका हाथ थोड़ा सा अटकेगा, आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे की तरफ आपको ज्यादा हाथ ले जाना पड़ता है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। करेक्ट। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये वेंटिलेटेड सीट्स हमने ऑन कर दिया है। ये आप स्टार्ट करते हैं तो लेवल 2 से स्टार्ट होता है, इसके बाद ये लेवल 1 पे आ जाता है सेकंड बटन पे एंड देन ऑफ। स्टार्ट ये लेवल 2 से ही करता है। अवनीश, वेंटिलेटेड सीट्स एक माइंड में क्राइटेरिया था कार लेने का? मतलब क्राइटेरिया नहीं था, बट जब मैं गाड़ी देखने गया तो जब एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली ये फील हुआ यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक दिल्ली में रहते हैं हम और 10 महीना तो गर्मी झेलते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब भी कोई और भी जब बैठा है, मैंने जो स्विच ऑन किया उसको, इट वाज लाइक अ डिलाइट, यू नो, चेहरे पे एक अच्छा एक्सप्रेशन आता है। तो ये मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडियन, मतलब इंडिया में जैसे जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा फीचर है। डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है। तो एज एक्सपेक्टेड हम लोग 1.5 DSG चला रहे हैं आज, और जो स्टार्टिंग पुशी है वो आपको जबरदस्त मिलता है। अच्छा, अपनी सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, जब आपकी यहाँ पे DSG में गियर शिफ्टिंग होती है, पता चलता है, फील होता है गियर शिफ्टिंग का? नॉट एट ऑल, बिल्कुल। अभी आप एक्सपीरियंस कीजिए, बट शायद जितनी सेंसिटिविटी मेरी है मेरे को तो फील नहीं आया, बट हाँ जब आप उसको एक्स्ट्रा पुश करते हो टर्बो के लिए, उस मोमेंट पे एक आता है कि You will feel कि अब टर्बो हिट हुआ है। तो टर्बो हिट जब होता है फील होता है, अदरवाइज गियर शिफ्टिंग आपको कहीं से फील नहीं होती है। जब आप लो स्पीड पे चलाते हैं 10-20 की स्पीड पे, कॉर्नरिंग करते हैं या टर्न लेते हैं, तो वहाँ पे हल्का सा लैग फील होता है आपको किसी तरह का? ऑनेस्टली मतलब अगर लैग है भी तो बहुत ही ज्यादा है ना, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, हाँ, मतलब नहीं, आई वोंट से दैट, बट ऑफ कोर्स जब मैं दूसरा गाड़ी चला रहा था CVT वाला, माय ब्रदर ड्राइव्स होंडा सिटी, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 इयर्स नाउ, तो उसमें डेफिनेटली क्योंकि CVT है, टेक्नोलॉजी ऐसा है, तो वो लैग देता है थोड़ा सा। तो हल्का सा पंजा दबाने पे ही आपकी जो है फुल स्पीड भागती है। आप 80 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, अब स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छी है, 180 है, एज कम्पेयर टू अगर आप एक सेडान चला रहे हैं तो 180 बहुत अच्छी है, बट स्टिल गड्ढों में से निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है अवनीश। हाँ, मतलब वो तो आई थिंक नेचुरल बिहेवियर है हमारा, थोड़ा सा गाड़ी को बचा के निकालना। आप नहीं सोचते कि ना कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस है, वो एक बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थार में बैठे हो गए तो नेचुरली आपको लगता है कि यार अभी खुद आ दो इसके ऊपर से, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, यस। सो आप उसको 200 भी दे दोगे तब भी लोग थोड़ा कॉशियस रहेंगे ही रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ठीक है, बाकी ओवरऑल फील जो अभी स्टार्टिंग जो हम अपनी फील की अगर बात बताएं तो काफी स्मूथ है। ऑब्वियसली जब आप एक Volkswagen Skoda फैमिली की गाड़ी चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिफरेंट आता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल आता है। वही सेम फील यहाँ पे भी आ रहा है। स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, लेकिन मैन्यूवरिंग की अगर हम बात करें तो मैन्यूवरिंग काफ़ी कंट्रोल्ड है गाड़ी, एंड वी हैव क्रॉस 100 ऑलमोस्ट। अगर आप MID देखें तो हम 100 के आसपास चला रहे हैं अभी, एंड इस गाड़ी जो है वो पूरी कंट्रोल में है। और अभी हम ये नॉर्मल मोड में चला रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल मोड जो इसका रहता है बाय डिफॉल्ट, जो डी मोड है वो नॉर्मल मोड रहता है, राइट। और इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है जो हम थोड़ा सा ट्राई जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा खाली रोड में, खाली रोड चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये तो मैं आपको लेगा यार, मजा नहीं ले पाया। अच्छा, एक चीज और है, जब आप 1.5 चलाते हैं, पहले अगर आप 1.5 चला लें और उसके बाद 1.0 चलाएं तो आपको कहीं से भी उसकी जो पार है, जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पसंद नहीं आएगी, बट हमने दोनों चलाई है तो मैं बताऊंगा कि 1.0 आपको अंडर पार नहीं लगेगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार कहीं से आपको खींचना पड़ रहा है। अच्छा, गाड़ी को या चार लोग बैठे हैं तो सामान के साथ है तो आपको कहीं अंडर पार लगेगी ऐसा भी नहीं है, बट यस देयर इज अ डिफरेंस। 1.5 चलाने के बाद आप एक नेक्स्ट लेवल, ऑब्वियसली इट्स अ मच पावरफुल इंजन देन 1.0। हल्का सा 10 वही जैसे कॉर्नरिंग का जब आप करते हैं या यू टर्न जैसे अभी हमने लिया तो 10-12 की स्पीड पे जब आप लेते हैं तो हल्का सा लैग आपको फील होता है। जब ये डाउन शिफ्टिंग करती है तो थोड़ा सा लैग वहाँ पे, हल्का सा बिल्कुल, वो भी आप जब बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको फील होगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, जब हम गाड़ी को एक पंजा दबा रहे हैं, अपना एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी, तो यहाँ पर गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, बहुत हल्की सी आपको फील होगी, ना के बराबर है वो गियर शिफ्टिंग। आप DSG जैसे टेक्नोलॉजी मानी जाती है कि बहुत स्मूथ आपको ड्राइव मिलती है, उसी तरह की ड्राइव, स्मूथ ड्राइव आपको इसमें मिलेगी। सी आपने जो है वो पिंग सुना होगा, 80 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अवनीश, आपको ये ऑन रोड कितनी की पड़ी थी? सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो हम लोग मिस कर गए। हाँ, ये ऑन रोड मेरे को कुछ यार एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, बस इतना पता है मुझे 20.5 समथिंग कुछ पड़ा था मुझे, 20 लाख 50,000 के आसपास, ठीक है।
तो अभी इसके अगर हम प्लस में देखें तो प्लस पॉइंट, अभी जितनी गाड़ी आप चला चुके हैं उसमें प्लस आप कौन कौन से पॉइंट्स गिनाएंगे जो आपको लगता है कि इसका एक एज है बाकी गाड़ियों के ऊपर? तो सबसे पहला प्लस जो प्लस है जो अभी इस गाड़ी में देखा है, तो जो आप इसका आप सीट पे बैठे हो राइट, इसके और पीछे का जो कम्फर्ट है ऑफकोर्स वो कम्फर्ट बहुत अच्छा है। प्लस क्योंकि व्हील बेस बड़ा हो गया है, इफ आई कंपेयर दिस कार विद एनी ऑफ इट्स नो कॉम्पिटिटर, यू विल गेट मोर स्पेस बिहाइंड। जैसे आपका हाइट अभी अच्छा खासा हाइट है राइट, तो अगर आप दो भी यू नो 5-10 के आसपास बैठे होंगे, इनफैक्ट आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जो थोड़ा काफी टॉल है, सो उनको भी मुझे लगा नहीं कि कोई भी लेग रूम का इशू हुआ है नहीं। सो दीज आर लाइक रियली रियली गुड पॉइंट्स। और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस की तो खैर हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, तो वो तो प्लस है ही। और बाकी चीजें और क्या बोलेंगे, आई थिंक जैसे इसका ये सीट है ना, ये आई थिंक दिस इज समथिंग द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार। पहले क्या होता था कि आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ, तो आप अपना जो है वो बूट एक्सेस नहीं कर सकते, फिर बूट में जाओगे। यहाँ पे क्या है कि अभी हम जो रेडिली एक्सेसिबल सामान होता है वो हम अंदर की तरफ रख लेते हैं, सो दैट अगर बच्चा पीछे बैठा है तो वो खोले अंदर से यूज करके वापस, यू नो। सो ये चीज आई थिंक ये फीचर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट फीचर है, जो सिंपल है, आई थिंक काफी लोग कर सकते हैं, बट Skoda has given a lot of attention to it। और क्योंकि वो इजी भी है बहुत नो निकालना, उसको बंद करना, तो इवन अ किड कैन डू इट, सो वो आई थिंक अच्छे पॉइंट्स हैं कुछ। तो इसको लेकर अभी तक कहाँ दिल्ली से बाहर कहाँ जा चुके हैं, घूमने गए हैं इसको लेके? दो बारी देहरादून गया हूँ और दो बारी मोहाली गया हूँ। ओके, सो ये दो चार लॉन्ग ड्राइव्स हुए हैं। नाउ आई एम ट्राइंग टू गो टू अहमदाबाद। अच्छा, सो लेट्स सी। तो एट मोस्ट जो है वो आप अवनीश इसमें कितने लोग ट्रैवल कर चुके हैं? हम इसमें 5 लोग बैठे हैं एक बारी, और बाकी जब हम जा रहे होते हैं नॉर्मली हम 3 लोग होते हैं फैमिली में। अच्छा, और ये कितना माइलेज निकालती है अगर आप एक हाईवे पे लेके गए और सिटी में, क्या माइलेज दे रही है अभी आपको? अच्छा, तो हाईवे पे जैसे मैं अभी आपको बताया मोहाली जैसे मैं गया 2-3 बारी या देहरादून भी गया, तो 13-14 के आसपास वो उसमें लिखा हुआ आता रहा था कि आपका एवरेज नो जो आ रहा है वो 13-14 आ रहा है। बाकी सिटी में 10-11 आता रहता है, क्योंकि मैं गुड़गांव जाता हूँ, मेरा डेली का कम्यूट गुड़गांव का है, सो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो फिर भी यू नो 10 के आसपास आता है। तो अभी अगर हम MID में भी देखें तो ये 10:30 के आसपास दिखा रहा है सिंस स्टार्ट, जो जैसे आप सुबह घर से जो लेके आए हैं, और वही सेम आपको एवरेज दिखा रहा है MID में जो आपकी ओवरऑल एवरेज दिखा रहा है। राइट, सो वो बाकी मैंने और मेरा एक और फ्रेंड है जिनके पास है, आई थिंक इज इन पुणे, तो उनके हिसाब से उनके यहाँ कभी कभी 17 तक भी इनको माइलेज मिला है। सो अगर आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो राइट, तो और आप कंफर्टेबल ड्राइव करते हो ज्यादा ना रैश या 70-80-90 अगर आप चला रहे हो, तो ना गुड नॉर्मल स्पीड तो मिल जाएगा 17 तक भी। 17 तक मिल जाएगा। लोगों ने जो 1.5 तो नहीं 1.0 में लोगों ने 20 एंड अबव भी क्लेम किया है, 1.5 में 17-18 के आसपास आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एवरेज। 1.5 जितना पावरफुल इंजन है ये, वेरी वेरी गुड एक्चुअली। And I'm really means loving the drive, जिस तरह से ये इतनी स्मूथ ड्राइव आपको मिल रही है जब आप गाड़ी के जब आप स्टेयरिंग पे बैठेंगे। मैंने बहुत लोगों को ये सुनते कहते सुना है, इनफैक्ट हमने भी बहुत सारी स्कॉडा की और फॉक्सवैगन की गाड़ियों को जो है ड्राइव कर लिया है, तो एक जो फील आता है जो आप चलाने के बाद फील करते हैं, वो आपको ये फील कराता है कि बस चलाते जाओ, आप ड्राइव करते जाओ और आपको उतना ही स्मूथ एक्सपीरियंस ही कराती जाती है। तो जैसे मेरे से भी कोई जब मेरे फ्रेंड कोई गाड़ी सोच रहा होता है ना खरीदना है या प्लान कर रहे हैं, तो मैं तो उनको ऑफकोर्स गाड़ी तो देख ही रहे होते हैं पार्किंग में खड़ी है इधर उधर, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, जस्ट चलते हूँ कि यार इसको ना तुम, मैं इसको बोल के नहीं समझा सकता, तुम चला के देखो, आप चला लो एंड देन यू विल गेट ऑल योर आंसर्स, दिस यू कांट एक्सप्लेन बाय टॉकिंग वर्बली, यू हैव टू रियली एक्सपीरियंस इट। अच्छा, एक और जो बहुत अच्छा फील है, ऑब्वियसली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, आप जो स्टेयरिंग पे फील कर पा रहे हैं बैठ के, वो एक ठीक ठाक SUV वाला, कॉम्पैक्ट SUV वाला फील आपको आ जाएगा, मतलब आपको लगेगा कमांडिंग पोजीशन है। करेक्ट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल रोड से चिपक मतलब नीचे बैठ लेट के चला रहे हैं, जैसे नॉर्मल सेडान में, जैसे होंडा सिटी में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, काफी कम है, तो वहाँ पे आपको फील होता है कि आप बहुत नीचे हैं, बट एक कमांडिंग पोजीशन आपको फील नहीं होती है, इसमें आपको कमांडिंग पोजीशन फील होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे, ये स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे, जैसे अभी हम डी मोड पे हैं, तो आप इसको जस्ट प्रेस करेंगे तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। आप देख सकते हैं कि S2 दिखा रहा है, लेट्स सी कि ये स्पोर्ट्स मोड में कैसा चलता है। तो अगेन अ वेरी गुड पुश, हल्का सा एक्सेलरेट करने पर आपको बहुत बढ़िया पुश मिल रहा है, ओवरटेकिंग की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कार हुआ आराम से आप ओवरटेक कर लेंगे, एंड यू नीड अ प्रॉपर कंट्रोल, आपको प्रॉपर जो है वो कंट्रोल करना है गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भागेगी इसमें। मैक्सिमम कितनी स्पीड तक लेके गए अपनी इसे? ओके, सो
I have a friend of one of my friend. He is a rally driver. So we took this car to this Greater Noida Highway just to check. कि यार sports में कितना speed ले सकते हैं. So he touched 170. 170. Yeah. Oh my god. अभी 100 पे हमें ऐसा नहीं है कि कार लग रही है कि बहुत तेज चल रही है. हाँ. कैबिन नॉइज बिल्कुल नहीं है, इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं है. आपको 100 प्लस चलाने पर भी, जैसे अभी हम 100 क्रॉस कर गए थे, तो आपको लगेगा कि 70-80 पे चल रही है. मतलब स्पीड तो उतनी आप जितनी. हाँ. जो आता है ना आपको शोर आता है, जो बाहर से साउंड आता है, उस हिसाब से आपको कहीं फील नहीं होगा कि आप इतनी तेज चला रहे हैं. बट 170 इज वे मच. एक पता है क्या चीज है इसमें, जैसे मैं हमारा जो दिल्ली का जो हमारा स्पीड लिमिट है वो 50 है नॉर्मली, राइट. आप ऐसी गाड़ी जो खरीदते हो तो आपको ना रियलाइज नहीं होता कि आपकी गाड़ी क्या स्पीड पे है, बिकॉज एक परसेप्शन भी तो आता है ना कि आप क्या स्पीड चल रही होगी आपके. आपको लगता है कि मेंटली कि शायद मैं 50 के आसपास होऊंगा, बट आप जैसे ही आप देखते हो स्पीडोमीटर आप 70 के आसपास. मैं यही बात मैंने यही बात मैंने बोली कि सेम आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप इतनी तेज चला रहे हैं गाड़ी. अभी हमने वापस जो है वो एस मोड से डी मोड में कर दिया है. एस मोड से डी मोड में करते हुए हल्का सा आपको लैग फील होगा, विच इज प्रीटी मच ऑब्वियस क्योंकि वो शिफ्ट करता है. तो उसके अलावा आपको कहीं, आप अगर अच्छी स्पीड में है तो आपको ज्यादा लैग फील होगा, अगर आप कम स्पीड में हैं तो कम लैग फील होगा. अब अवनीश आ जाते हैं इसके माइनस में. कुछ ऐसा है जो आप मेंशन करना चाहें, जो आपको लगे कि नेगेटिव है इस कार में? बिल्कुल, दो तीन चीजें हैं. एक तो जो डैशबोर्ड में आपका ये गोल्डन स्ट्रिप है जिसमें उन्होंने एक इंटीरियर का लाइट लगाया है, ये काफी फ्लिमजी है. मैं मानता हूँ कि ये डिजाइन का पार्ट होना ही नहीं चाहिए था. और दूसरा आपका ये जो छोटा सा कंसोल है आपका, जहाँ पे ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, ये प्लास्टिक भी काफी, इसका फिटिंग भी काफी लूज है, इसकी वजह से अगर आपका प्लस द स्टिफ आपका जो सस्पेंशन है ना, तो जब आप जब छोटे से बम्प पे भी जाते हो तो दीज पार्ट्स विल मेक दोस नाइस. ओके, सस्पेंशन तो स्टिफ होना बहुत बढ़िया है. हाँ, वो आपको स्टेबिलिटी देगा, प्लस दिस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज व्हिच इज रियली अनॉइंग समटाइम्स. यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में भी आपको थोड़ा सा स्पेस का यूटिलाइजेशन का इशू लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था? वही रहता है कि वो तो ज्यादा मेरे लिए, आई पर्सनली फील कि यार कितना यूटिलिटी चाहिए यार, मतलब ग्लास होल्डर टाइप सॉर्ट ऑफ चीज वो आ जाता है यहाँ पे. दैट इज इनफ फॉर मी, इट इज फाइन. ठीक है, मेरे को यहाँ पे ज्यादा मतलब इसको ड्रॉइंग रूम नहीं बनाना है कि भाई इतनी ज्यादा जगह चाहिए, ये भी रख लो वो भी रख लो. I'm sorry for my comments, but नहीं नहीं ठीक है. एक और चीज है इसमें यार, आप देखोगे ना ये वाला जो फंक्शन है यार, ये वाला. हाँ. ये क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, राइट. हाँ. तो आप जब इसको एक्सेस करोगे आपको ना रोड से दिमाग ध्यान हटाना पड़ेगा बिकॉज वो आपके गियर लीवर के लेफ्ट में. सेम भी थी आपकी स्क्रीन, टच स्क्रीन और आपकी जो एसी जो आपको मिलता है, ड्यूल कंट्रोल एसी मिलता है ऑटोमेटिक, उसमें भी आपको जो है वो देख करके करना पड़ेगा. टैक्टाइल्स आपको बटन्स नहीं मिलते. तो जो ब्यूटी जो नॉब्स की है ना. हाँ. उसका कंपैरिजन नहीं है. सो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि स्कोडा को ये सारे फीडबैक लेने चाहिए. कार बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम कार है, फीचर्स अच्छे दिए हैं, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ी सी चीजें जो है वो हल्का सा एक्सपीरियंस को आपके ऑफ करती हैं. जैसे कि ये कुछ आपके सेंट्रल में जो बटन्स हैं वो बटन्स आने चाहिए, जो यूजर हर यूजर जो हमारे चैनल पे बात करते हैं स्कोडा की, फॉक्सवैगन की गाड़ियों का, वो यही मेंशन करते हैं कि देयर शुड बी सम टैक्टाइल बटन्स, जो कि ठीक है एक टच स्क्रीन एक अच्छा फील देते हैं आपको, बट बटन्स की अपनी इंपॉर्टेंस है. जहाँ वो बटन है वो बटन ही रहने चाहिए, उनको आप कन्वर्ट मत कीजिए टच स्क्रीन. और दूसरा ही जो यहाँ पर आपने जो क्वालिटी यूज की है, अगेन यहाँ पर आपको एक साउंड दे रहा है और लग रहा है कि आपने जो क्वालिटी यूज की है वो थोड़ी हल्की है ऑल ओवर. बाकी आपको फील नहीं आएगा हार्ड, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है. आप अपनी गाड़ी में पीछे कितनी बार बैठे हैं? आज पहली बार बैठे हैं. थैंक यू फॉर दैट. सो सस्पेंशन की बात करें तो पीछे के सस्पेंशन कैसे हैं? मेरे को तो अभी तो बहुत स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, पर मेरे को एक्चुअली काफी कंफर्टेबल लग रहा है. तो आई एम रियली हैप्पी कि जो घर के लोग बैठते होंगे उनको अच्छा फील होता होगा. तो ये शॉफर ड्रिवन कार है, इसको हम शॉफर ड्रिवन कह सकते हैं? 100% कह सकते हैं, यस यस. नहीं बट मैं नहीं मानता क्योंकि ये गाड़ी का चलाने में तो मजा है. ये ट्रिकी क्वेश्चन. ये बेसिकली क्या है, ये ड्राइवर्स कार है. हाँ. आप अगर कार ऐसे एंथुसियास्ट हैं जो कार की परफॉर्मेंस पसंद करते हैं तो ये आपकी आगे बैठने वाली कार है, पीछे नहीं. तो अवनीश इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे बेसिकली कि ये जो एक तो बहुत छोटा सा आपका कैमरा है, विड्थ पूरी यूज नहीं की है, पहले तो स्क्रीन की यूज नहीं की है, फिर उतनी बड़ी बड़ी साइड में यहाँ पे वो है, छोटा सा कैमरा है, और क्वालिटी ऑफ द कैमरा जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है. हाँ, थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन और बेटर हो सकता था. ऑफ कोर्स साइज तो बिकॉज़ वी हैव अ स्क्रीन हम उसको यूज कर सकते थे. थोड़ा एटलीस्ट बड़ी नहीं तो इतनी. हाँ. इतनी स्क्रीन पे तो कैमरा आता ही. Exactly. और दूसरा गाइडेड लाइंस नहीं है. हाँ, वो डायनामिक नहीं है, वो थोड़ा सा डेफिनेटली एक है. और एक चीज और जो अब क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो 20 लाख टच करता है,
तो आप एक्सपेक्ट करते हो कैमरा क्वालिटी या आपके जो प्लास्टिक क्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने एक अच्छे फीचर्स दे दिए वेंटिलेटेड सीट्स की तरह, फ्रंट बम्पर में आपके सेंसर्स नहीं है, तो वो भी एक आई थिंक कि क्योंकि लंबी गाड़ी है आपको इतना जल्दी आइडिया कई बार नहीं लगता है, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपके होने चाहिए थे। बाकी ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हम बाकी कंक्लूड जो है वो बाहर चल के करते हैं। सो ओवरऑल हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कार के साथ 1.5 DSG जो हमने फर्स्ट टाइम रन की और अपने चैनल पे आपके लिए लेके आए। अगर आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं 1.5 इंजन लेने का, वेदर इट इज़ स्लेविया, स्कॉडा और टाइगन, कोई भी जो स्कॉडा एंड फॉक्सवैगन फैमिली की कार्स का अगर 1.5 कंसिडर कर रहे हैं, तो आप कार कोई भी चले परफॉर्मेंस वैसी रहेगी, बट स्लेविया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, प्रीमियम फील देगा, 20 लैक्स के आसपास यह गाड़ी आपको पड़ती है। अवनीश से इसके फाइनल पॉइंट्स लेते हैं, अवनीश प्लस और माइनस दोनों बता दिए, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आप मेंशन करना चाहें? एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं। हाँ, बूट स्पेस देख लेते हैं, बिल्कुल। बूट स्पेस तो काफ़ी आई थिंक इनफ है, बूट स्पेस आपको इसमें भर भर के मिलेगा काफ़ी, कितना 500+ लीटर के आसपास इसका पड़ता है। और दूसरा जो 60-40 स्प्लिट में आपको जो आगे से बूट का एक्सेस मिल जाता है साइड से, वो एक प्लस है आपका। तो ये 60-40 में स्प्लिट जो है हो जाता है और आपको आगे से ही एक्सेस मिल जाता है। हाँ अवनीश, एक चीज़ और है जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हमने 1.0 में देखा था, अगेन पॉइंट वहाँ पे भी बनता था, लेकिन 1.5 में भी ड्रम ब्रेक्स हैं पीछे। हाँ, पीछे, यस, करेक्ट करेक्ट। तो कंपनी ऑब्वियसली एक कंपनी की पूरी R&D रहती है और वो इस चीज़ को देखते हैं कि जरूरत कितनी है नहीं है, उस पर हम बहुत क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आगे और पीछे डिस्क दिए जा सकते थे इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट। ठीक है, आपका काम चल रहा है, आपकी ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है किसी तरह का, आप अच्छी स्पीड पे भी ये काम पूरा कर लेते हैं, बट यस, डिस्क आर ऑलवेज बेटर देन ड्रम ब्रेक्स, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इसमें दिए जा सकते थे। 2.05-16 inches के आपको इसमें टायर मिलते हैं जो अच्छा। एक चीज जो अवनीश, एक आपने पूछा रही, वर्टस का नाम आपने कहीं नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने वर्टस का डिजाइन देखा है। हाँ। तो अभी क्योंकि देखो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने रिव्यूज देखे बाकी भी, तो देयर सिब्लिंग, राइट, 19-20 का फर्क होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि आइडेंटिटी अलग करना है, बिल्कुल, बस आइडेंटिटी का फर्क, अदरवाइज सब सेम है। सो अब फिर वो अगर आप वर्टस ऑफ स्लावे में चूज करोगे तो आप सिर्फ डिजाइन पे चूज करोगे। सो अब इसमें फाइनल करते हुए अवनीश से पॉइंट्स लेते हैं। अवनीश, अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करें, कि आप परफॉर्मेंस की बात करें, डिजाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, माइलेज की बात करें, कंफर्ट, सारी चीजें, सेफ्टी, सब की बात करें, तो आउट ऑफ 10 आप एक पॉइंट क्या देंगे इस कार अभी तक जितना आप चला सके? 10 में से इसको 8 रेट करूंगा। 8 8 और 2 पॉइंट जो काटे वो उसके? बाकी चीजें जो है, जो क्योंकि वो चीजें दी हैं उन्होंने। हाँ। और देखे गलती करी है। हाँ। इसलिए वो आप कह रहे हैं देनी ही नहीं चाहिए, वो होनी नहीं चाहिए थी। हाँ। कि भाई अगर आपने स्ट्रिप दिया है, देन इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ ब्रांड टू मेक इट मोर रोबस्ट, राइट। या तो आप उसको नहीं देते, या आपने वो डिजाइन का कॉल लिया ही नहीं होता कि यार ये हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये इशू करेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई 2 नंबर वहां कट गए। अच्छा, 2 नंबर सीधा वहां कट गए, चलिए। और थोड़ा और क्रिटिकल होगा तो वो 3 भी कट देगा, है ना, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपको फिर खटकेंगी बाद में ना। exactly, ये क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं जो रिमूवेबल है, आपने बाद में इसको हटा दी, नहीं फर्क पड़ रहा, ये तो आपके सामने है, टाइम दिखेंगी आपको, आवाज करेंगी बात। और वो ऐसा चीज है क्योंकि ये सब लॉक होता है, प्लास्टिक का लॉक, अगर आप बाद में 2-3 साल पर रिप्लेस भी कराओगे ना, तो पुराने लॉक में नया लॉक डालना वो इजी काम नहीं है, वो फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो फील नहीं आता। एग्जैक्टली। तो ये थे हमारे साथ अवनीश, और जिन्होंने अपनी 1.5 DSG स्कॉडा स्लेविया का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे दिया, काफी अच्छे से अपने पॉइंट्स रखे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी वर्टस या स्लेविया का 1.5 का कंपैरिजन वर्टस से देखना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, हम आपके लिए 1.5 वर्सेस 1.5 और 1.0 वर्सेस 1.0 स्कॉडा स्लेविया और फॉक्सवैगन वर्टस का कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच अवनीश चैनल पे आने के लिए, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी, या थैंक यू। सो अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं, तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको अपने चैनल पे वेलकम करेंगे आपके कार के रिव्यू के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।